जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, घर में रखे हुए बहुत कम सामान से हलवाई से भी ज्यादा अच्छी और आसान बनेगी ये जलेबी। और देखिए कितनी क्रिस्पी और एकदम रसभरी बनी है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम जलेबी की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 कप चीनी, और 2 कप चीनी के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 कप पानी। जलेबी के लिए हमें ज्यादा गाढ़ी चाशनी तो बनानी नहीं है, और जितनी बनानी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 चुटकी अब इसमें हम केसरी कलर डालेंगे, जो फूड कलर आता है जलेबी वाला। आप चाहें तो इसे कलर के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल हलवाई जैसी बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा कलर तो चाहिए ना। आप देखिए चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें अच्छा उबाल भी आने लगा है। गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे हमें घड़ी लगाकर 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट में ही जलेबी के लिए एकदम परफेक्ट चाशनी बन जाएगी। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कितनी गाढ़ी हुई है। कड़छी पर अब इस तरह थोड़ी सी हम चाशनी लेंगे और उंगलियों के बीच में इस तरह देखेंगे, ये थोड़ी चिपचिपी सी लगे, बस इतना ही हमें इसे गाढ़ा करना है। कोई तार वगैरह हमें इसमें नहीं बनाना है। अभी हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और चलते हैं दूसरी तरफ, जलेबी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप मैदा ली है। मैदा मैंने कप में एकदम अच्छे से भर कर ली है। इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी से ही हमारी जलेबी में एकदम परफेक्ट मोयन लगेगा। अब इसे उंगलियों से अच्छे से मसलते हुए मैदा में मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से मैदा में मिक्स करना है। और देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि कितना गाढ़ा रखना है हमें इसे। अब आप यहाँ पर चम्मच का यूज ना करें, या तो विस्कर का यूज करें या फिर हाथ का यूज करें, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और देखिए हमने इसे अच्छे से घोल लिया है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो इसमें अभी हमें थोड़ा पानी और डालना है। तो इसमें अभी हम 2 से 3 चम्मच पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें फाइनली इसे कितना गाढ़ा रखना है। तो देखिए ये इस तरह रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। तो जो इनो वाला पाउच आता है उसमें से मैं लगभग 1/4 चम्मच ले रही हूँ, उसमें 1 चम्मच आता है तो मैं 1/4 चम्मच ही यूज कर रही हूँ। हम इसे एकदम इंस्टेंट बना रहे हैं तो इनो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब इसे लास्ट एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इनो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए इनो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसकी फाइनल देख लीजिए, हमें ना ही इससे ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही इससे ज्यादा पतला। अब इसे थोड़ा सा एक साइड रख देते हैं और करते हैं एक जुगाड़। अब कोई हम हलवाई तो है नहीं, हलवाई के पास तो एक अलग कपड़ा होता है जलेबी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ ये छाछ दूध वाली पन्नी ले रही हूँ। इसे ऊपर से काट के ग्लास के अंदर इस तरह डालेंगे जो इसमें बैटर अच्छे से आ जाए, और इसमें हम जितना बैटर आसानी से आ सके उतना डाल देंगे। इसके बाद इसे पैकेट को ऊपर से इस तरह पकड़ लीजिए, और ऊपर से या तो इसमें ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए या इस तरह हाथ से पकड़ लीजिए। और अब ये छाछ वाला पैकेट एक कोन का काम करेगा, तो इसके लिए हम इसे कैंची से बिल्कुल थोड़ा सा काट देंगे। आपको जितनी भी मोटी पतली जलेबी चाहिए उसी हिसाब से। अब यहाँ पर लेंगे हम एक इस तरह चौड़ा बर्तन। आपने देखी होंगी हलवाइयों के पास एकदम चौड़ी चौड़ी कढ़ाई होती है, तो अब वो तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है ये पैन। इसी में हम तेल को गरम करेंगे, और तेल हमें एकदम इसके लिए मीडियम गरम चाहिए, ना ही एकदम ज्यादा गरम और ना ही एकदम कम गरम। पैन में हमें तेल भी एकदम भरकर नहीं लेना है, बस ये थोड़े से तेल में ही अच्छे से सिक जाती हैं। जलेबी बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस इसे इस तरह राउंड राउंड घुमाते रहिए और जलेबी हमारी इस तरह बनकर तैयार हो जाएंगी। एक बार में अच्छी भी नहीं बनेंगी तो क्या, दोबारा में अच्छी बन जाएंगी। अब ये जब ऊपर तैरकर इस तरह आने लगे, इन्हें इस तरह पलट देंगे या जब इनका हल्का कलर चेंज हो जाए। अब आपको जैसी जलेबी खानी है, किसी को थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है, किसी को थोड़ी सॉफ्ट, तो उसी हिसाब से आप इन्हें सेक लीजिए। और गरम गरम जलेबी को ही हम चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है एकदम, तो आप उसे हल्का गरम कर लीजिए। हल्की गरम चाशनी में इन गरम गरम जलेबियों को डालने के बाद इन्हें 3 सेकंड तक चाशनी में रखेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम बाकी जलेबी बना लेते हैं। और देखिए ये दूसरी बार में एकदम परफेक्ट बन रही है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इन्हें गोल गोल इस तरह घुमाते रहिए और लास्ट में इसे
ऊपर से थोड़ा सा इस तरह घुमा के बंद कर दीजिए। आपको जैसी बड़ी छोटी जैसी जलेबी खाना पसंद है आप ऐसी बना सकते हैं। मुझे थोड़ी करारी जलेबी अच्छी लगती है तो मैं इन्हें हल्का ब्राउन होने तक सेकूंगी और उसके बाद इन्हें पैन से अलग निकाल लेंगे। आपको कैसी जलेबी पसंद है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं और जो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबाएं। इससे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और देखिए इसी तरह हमारी ये दूसरी बैच भी तैयार है। इन्हें भी 30 सेकंड के लिए हम चाशनी में रखेंगे और उसके बाद इन्हें पैन से अलग निकाल लेंगे। और तैयार है हमारी एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी। आप इन्हें रबड़ी के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, सबके साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। और देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम क्रिस्पी और अंदर तक इनमें अच्छे से चाशनी भरी है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे घर में रखे हुए बहुत कम सामान से आप ये जलेबी बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी के साथ जलेबी बनाकर जरूर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।